हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सरकार, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है बुद्धिस्ट पंडित ने देवकी नंदन ठाकुर को और अनिरुद्ध आचार्य जी को किया चैलेंज। उसके बाद देखेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, देखते हैं क्या चैलेंज कर रहे हैं हिंदू पंडित को। उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर नाइक सर का रिप्लाई देखेंगे सेम क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना गाइस, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना, ताकि लोगों को भी सही चीजों के बारे में पता चलने चाहिए और अपने रिलीजन के बारे में पता चलना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलिए, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे तो याद ही दया आती है। अच्छा, कथा पा चुकी थी, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं। सही माने में तो वो ही भटका रहे हैं। जितने भी कथावाचक हैं उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठोकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा, तो मेरा नाम भलते आनंद नहीं, मैं सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। गुरु जी, मेरी बात में आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी भारत का धर्म गुरु एवं कोई भी कथावाचक हमारे सनातन धर्म की बात करता है तो उस पर क्वेश्चन क्यों उठाए जाते हैं? जिस प्रकार अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी बात करते हैं सनातन की, तो उस पर लोग क्वेश्चन क्यों उठाते हैं? ऐसा हमारे धर्मों पे क्यों होता है, अदर धर्मों पर ऐसा क्यों नहीं होता है? इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि हमारे धर्म में ना संगठन की कमी है जी। यदि हम सारे सनातनी संगठित हो जाएं जी, तो क्या मजाल किसी की कि हमारे धर्म की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। संगठन की कमी है, पर अब कोशिश है कि हम सभी संगठित हों। मेरा नाम विक्की सोनौन है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मेरा सवाल ये था कि इतने सालों से जो हमारे रिलीजियस बुक्स आए हमारे पास और हम लोग स्टडी नहीं कर पा रहे, जो आज आपने प्रोग्राम लिया, जो वेद गीता में से बताए हमें, आज मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, मगर इतने सालों से कोई पढ़ रहा क्यों नहीं है? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न भाई ने अच्छा सवाल किया है कि हम गैर मुस्लिम अपनी मजहबी किताब पढ़ते ही नहीं। मेरी तकरीर सुनने के बाद भाई साहब ने शुरू किया पढ़ना, तो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अक्सर दिगर मजाहब के धर्म गुरु वो नहीं चाहते कि उनके मजहब के मानने वाले अपनी मजहबी किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर आप मजहबी किताब पढ़ेंगे तो ये दिगर मजाहब के धर्म गुरु की दुकान कैसे चलेंगी, आप समझे? तो इसीलिए जो कुरान में लिखा है, सबसे बेहतरीन जिस तरीके से गैर मुसलमान से कोई मुस्लिम बात कर सकता है, वो सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालो इला कलमतिन सवा इम बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इसीलिए मैं जब तकरीर करता हूँ यकसानियत के बारे में करता हूँ। मैं इख्तिलाफी तकरीर भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप हक की तरफ आए, और इंशाअल्लाह मेरी अगली तकरीर जो अगले सनीचर है वो है कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मजाहब में, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन द मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स। लोग धर्म गुरु ये नहीं चाहते कि उनके धर्म के मानने वाले अपने धर्म की किताब पढ़े। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदू लोग, जो हिंदू है, मैंने लास्ट टाइम कहा था आज़ाद मैदान में जब लेक्चर हुआ था 2001 में, तकरीबन 7 साल पहले, मैंने कहा था गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट संस्कृत पे तवज्जो देना चाहिए। हिंदुओं को कहना चाहिए संस्कृत पढ़ो, अपनी मजहबी किताब पढ़ो, तो आप खुदा के और करीब आएंगे, खुदा के करीब और आएंगे आप और हम में और भाईचारा बढ़ेगा। मेरा नाम सुदीप चौधरी है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ
कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है, 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको, अमेरिका में एक साइकोलॉजिक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो, एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वॉज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, ये रेखा देखना। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लदीन आमनू इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंजाब वल असलाम, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोज, बुध परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे है, रिश्त में मिली शैतान, फर्स्ट नबीम तफलियन, और आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुध परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जमा चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जो भी जबान पे आपको महारत है, हिंदी जबान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी जबान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते हो तर्जुमा ले सकते, और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए इंशाल्लाह इस तर्जुमे के। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि यार हर धर्म में भी क्या हो रहा है ना, कि लोग जो स्कॉलर है ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अपने लोगों को ना पढ़ने नहीं दे रहे हैं। मतलब जो भी किताब है चाहे वो किसी भी धर्म की हो ठीक है, अपनी किताबों को लोग मीनिंग के साथ पढ़ नहीं रहे, तो रियल में वो सही खुदा, सही क्रिएटर के बारे में जान नहीं रहे कि यार कौन इस दुनिया को बनाया है ठीक है। क्योंकि जब अगर वो पढ़ने दे देंगे तो यार कोई भी लोग जो अंधविश्वास ही फैलाते हैं, हर धर्म में होते हैं, तो जो अंधविश्वास है उससे दूर हो जाएंगे इंसान, तो उनका फिर कैसे चलेगा काम धाम ठीक है, उनका ठेका कैसे चलेगा, उनसे पैसे की कमाई कहाँ से होगी। तो इस कारण लोग जो जितने भी स्कॉलर होते हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो आजकल पढ़ने से बहुत ज़्यादा रोकते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक सर डायरेक्ट मुँह पर बोलते हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी, यार आपको अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि रियल क्रिएटर कौन है। किसी को भी स्कॉलर ज़रूरी नहीं है कि वो सही, एक चीज़ सही बोल रहा है तो दूसरी चीज़ भी सही बोलेगा। आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए, किसी पे एकदम अंधभक्ति टाइप का विश्वास और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ख़ासतौर पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक सर बोले कि इंडिया पे तो संस्कृत को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, कितनी अच्छी बात बोले। वो चाहते तो वहाँ पे ये बोल सकते थे कि मतलब जो और नॉन मुस्लिम है वो लोग इस्लाम के बारे में ही पढ़े, लेकिन वो संस्कृत को ज़्यादा पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो लोग खुद ही अपने धर्म के बारे में भी पढ़े और चीज़ें समझे कि खुद के धर्म में जो हमारे धार्मिक किताबें हैं उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो स्कॉलर्स जो हैं आजकल के, वो लोग अपनी दुकान चलाने के लिए बहुत सी यही चीज़ें कर रहे हैं कि हमें जो असल जो चीज़ें, हमें मैसेज जो मिला है हमारे धार्मिक किताबों से, वो चीज़ों तक हमें पहुंचने नहीं दे रहे हैं ताकि हमें सही चीज़ें पता चले। और जो इनके मतलब ये धंधा कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ों को स्कॉलर बन के पैसा कमा रहे हमारे इमोशन का, हमारी धार्मिक आस्थाओं का,
उससे जो ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर हम सही चीज़ों को खुद जानेंगे पढ़ के तो हम उनकी दुकानें बंद कर देंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट वो सारी चीज़ें ना पढ़ें। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि हर किसी को सिर्फ अपनी नहीं और भी जितने भी दुनिया में धर्म है हर धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि आप वो धर्म के ही हो जाओगे। नॉलेज तो जहाँ से मिलती है वहाँ से लेनी चाहिए। तो क्या होता है ना और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी चीज़ें समझने में। तो इसलिए हर धर्म के अपने लैंग्वेज में चीज़ें पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। सो गाइस ये था वीडियो। आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।